नमस्ते मैक्रो, आज मैं आपको सॉर्ट समझाऊंगा। सॉर्ट फंक्शन वैसे होता क्या है, ये आपके ऑर्डर, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर पे काम करता है। बेसिकली अगर आपको लार्ज टू स्मॉल डेटा करना है या स्मॉल टू लार्ज डेटा करना है तो आप सॉर्ट फंक्शन से कर सकते हैं। मैं आपको चार तरह के सॉर्ट फंक्शन सिखाऊंगा। पहले तो नंबर ऑर्डर से शुरू करूंगा, नंबर ऑर्डर, कलर ऑर्डर, आइकॉन ऑर्डर और कस्टम। आपको दिखाऊंगा कि आप कस्टम कैसे कर सकते हैं आप अपनी चीज़ें, तो ये भी आपको दिखाऊंगा मैं। पांचवी चीज़ जो मैं हाईलाइट करूंगा, अनसॉर्ट डेटा कैसे करते हैं। और आखिरी मैं आपको एक सॉर्ट डेटा मतलब फॉर्मूला भी करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि सॉर्ट डेटा द फंक्शंस कैसे वर्क करता है। तो आओ आए शुरू करते हैं हम लोग सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन आप तीन तरह से आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आप होम टैब पे जाएं तो ये देखें, आप यहाँ पर आप सॉर्ट फंक्शन है, और या आप को होम टैब पे नहीं जाना, अगर आप डेटा टैब पे हैं तो डेटा टैब पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ यहाँ पर आपका सॉर्ट फंक्शन है जो वही वर्क करता है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ पर भी सॉर्ट फंक्शन है। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर यहाँ पर कलर का, यहाँ पर फॉन्ट साइज का, आइकॉन का और कस्टम ऑप्शन भी गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सेल्स की वैल्यू हाईलाइट करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करके दिखाता हूँ। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर करके जाता हूँ, फिर तो इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर करके दिखाता हूँ। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये असेंडिंग ऑर्डर से हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैं आपका कंपनीज में करता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक किया और आप डॉट पे गए और आपने यहाँ पर आपने क्लिक किया और ओके कर दिया। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो। अगर आपको पूरा कस्टम करना है आपको, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और कमांड ए या कंट्रोल ए करेंगे तो आप पूरा हाईलाइट हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर जाकर कस्टम शॉर्ट पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, ये आपको ऑप्शंस देगा। यहाँ पर अगर आपको हेडर क्लिक नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडर क्लिक कर लें अपना। मैं तो यहाँ पर क्लिक कर लिया हेडर और फिर मुझे ऑप्शन दे रहा है वो कंपनी करनी है, कंट्री करना है, प्रोडक्ट करना है, सेल्स करना है। अगर आप हेडर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आपके ऑप्शंस वो नहीं देगा वो यहाँ पर। तो आप कोई भी सब भी आप मैं सेल्स में क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यूज में हर चीज़ तो आपके पास ना सेल कलर अभी है, ना फॉन्ट साइज है, ना आइकॉन्स है, तभी आपके पास वैल्यूज है। वैल्यूज में आप क्लिक करें और आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल, कोई भी आप क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अभी आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके तरह से आप ओके करेंगे तो ये आपके पास कस्टम कलर्स दिखाऊंगा कि कलर्स भी आप ऐड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर येलो कलर ऐड करता हूँ, इधर भी मैं येलो कलर ऐड करता हूँ, इधर मैं कोई और कलर ऐड करता हूँ जैसे ग्रीन कलर ऐड करता हूँ। और इधर भी कलर मैं ग्रीन कलर ऐड करता हूँ, जिससे मैं हाईलाइट करता हूँ कंट्रोल ए से या कमांड ए से। अगर आप चाहें तो आप शिफ्ट
सिर्फ कंट्रोल डाउन और साइड से भी हाईलाइट कर सकते हैं, या माउस से चाहें तो माउस से भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएं शॉर्ट कस्टम फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर सेल्स को सेल्स रखूँगा, तो मैं कलर 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 सेल में क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास ऑप्शन आया है ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम। तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ अभी। पहले ऑन द टॉप करूँगा मैं, येलो को ऑन द टॉप कर दिया। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपको फिर से वैल्यूज डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स डालूँगा यहाँ पर 12। यहाँ पर फिर मैं कलर सेल कलर चूज करूँगा। अब यहाँ पर ऑन द बॉटम डाल के आपको दिखाऊंगा कि ऑन द बॉटम क्या होता है। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर चूज करूँ पे मैं कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखें येलो के जितने थे वो टॉप पे आते हैं मेरे, और जो ग्रीन के थे वो बॉटम पे आते हैं। बाकी के सारे डिसेंडिंग से मेरे पास वैल्यूज यहाँ पर क्रिएट हो गए। अगर मैं इसमें आगे चलूं और आइकॉन्स लेके आऊं, हम आइकॉन्स भी लेके आ सकते हैं। अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पर आइकॉन्स क्लिक किया, तो आइकॉन क्लिक किया और आपने आइकॉन, अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं तो इस मेरे लिस्ट में कस्टम फॉर्मेटिंग की एक अलग से एक वीडियो बनी हुई है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो फिर से हम लोग वही सब कुछ करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और फिर से हम लोग शॉर्ट फिल्टर्स में कस्टम पर जाएंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। इस बार हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। और नए ऑप्शन भी आ सकते हैं। इस बार हम लोग यहाँ पर लोग सेल को सेल ही रखते हैं। यहाँ पर हम लोग सेल आइकॉन कर देते हैं। यहाँ पर ऑन द टॉप रेड कलर कर देते हैं। अगर हम कॉपी करें यहाँ पर इस सेल आइकॉन करेंगे, ये यहाँ पर जाके हम लोग ग्रीन कलर कर लेते हैं और बाकी येलो रहेगा। ओके कर देते हैं। ये देखिए आप, मैं येलो के बाद सीधा मेरे पास रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर येलो आया, और फिर उसके बाद ग्रीन कलर देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया, सॉर्ट बाय आइकॉन्स भी हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हाउ टू अनसॉर्ट द डेटा। एक्सेल में ये आप बुराई समझें या कमी समझें, एक्सेल अनसॉर्ट द डेटा नहीं करता। और अगर आपको कोई भी अनसॉर्ट द डेटा करना है तो कंट्रोल जी करके आप दोबारा वापस ला सकते हैं। यहाँ पर डेटा किया और यहाँ पर क्लिक किया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर से सेंडिंग ऑर्डर से और क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। अगर मैं ये वापस लाना है तो मैं कमांड जी से वापस ला सकता हूँ, या मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और इंसर्ट की एक रो डाल देता हूँ, और इंसर्ट की एक रो डाल देता हूँ और यहाँ पर क्लिक। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ सॉर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यूज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए सॉर्ट हो गया, मगर ये देखिए नंबर्स भी मेरे अजीब से आ गए। अगर इन नंबर्स को ठीक करना है तो मैं वापस से जाकर मैं नंबर्स को ठीक कर सकता। अगर मैं सिर्फ नंबर्स की रोज को क्लिक करूं और स्मॉल टू लार्ज करूं,
नंबर्स को क्लिक करने से मेरा ये पूरा डेटा सही हो गया, वापस आ गया। तो इस तरह से आप अनसॉर्टिंग ऑफ द डेटा कर सकते हैं आप। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फॉर्मूले से आप सॉर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्ट लगाते हैं हम लोग, इस हम लोग सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट फॉर्म लगाएंगे, हम लोग क्लिक करेंगे सॉर्ट पे, सॉर्ट बाय पे नहीं करेंगे। सबसे वो पहले वो मांगे एरे के, आपकी आपकी ए वो मांग रहे, तो आप ए है आप हाईलाइट करके दे, एरे टेबल आ गई, तो इसे ए करके आप हाईलाइट करके। और यहाँ पर एक कॉमन लगाए क्योंकि आपको आपको शॉर्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर फिर सॉर्ट ऑर्डर का ऑप्शन गिवन है असेंडिंग और डिसेंडिंग का। मैं असेंडिंग करके आपको करके दिखाऊंगा, तो आप असेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने असेंडिंग की और एंटर किया, तो ये देखिए आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ गया फ्रॉम द असेंडिंग से। अगर आप चाहें तो डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं।